फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कार्तिक्स वर्ल्ड। और आज इस वीडियो में मैं आपको ये 2x2x2 क्यूब की फर्स्ट लेयर सॉल्व करना सिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें इसके बेसिक्स जानने होंगे। तो सबसे पहले आते हैं फेसेस। 2x2 में 6 फेसेस होते हैं। वाइट फेस, ब्लू फेस, ग्रीन फेस, ऑरेंज फेस, रेड फेस और येलो फेस। अब हमें इसके ऑपोजिट फेसेस के बारे में जानना होगा। येलो का वाइट का अपोजिट होता है येलो, ब्लू का अपोजिट होता है ग्रीन और रेड का अपोजिट होता है ऑरेंज। नेक्स्ट आते हैं हमारे पीसेस। जिस तरह से 3x3 में हमारे 3 टाइप्स के पीसेस होते थे, एज पीसेस, सेंटर पीसेस और कॉर्नर पीसेस, 2x2 में हमारा केवल एक टाइप का ही पीस होता है, वो है कॉर्नर पीसेस। और इसमें भी 80 कॉर्नर पीसेस होते हैं। इसमें ना तो कोई सेंटर पीस होता है और ना ही कोई एज पीस, तो इसे बनाना हमारे लिए बहुत आसान होगा। तो अब हम बेसिक नोटेशंस जानते हैं क्यूब की। तो सबसे पहले आता है आर, यानी हमें अपनी राइट लेयर को ऊपर करना है। आर प्राइम यानी हमें अपनी राइट लेयर को नीचे करना है। आर टू यानी हमें अपनी राइट लेयर को 2 times रोटेट करना है। L यानी हमें अपनी लेफ्ट लेयर को नीचे रोटेट करना है। L प्राइम यानी हमें अपनी लेफ्ट लेयर को ऊपर रोटेट करना है। और L2 यानी हमें अपनी लेफ्ट लेयर को 2 times रोटेट करना है। अब आता है U। U मतलब हमें अपनी अपर लेयर को राइट टू लेफ्ट रोटेट करना है। U प्राइम यानी हमें अपनी अपर लेयर को लेफ्ट टू राइट रोटेट करना है। और U2 यानी हमें इसे 2 times रोटेट करना है। अब आता है D। डी यानी हमें अपनी डाउन लेयर को लेफ्ट टू राइट रोटेट करना है। डी प्राइम यानी हमें इसे राइट टू लेफ्ट रोटेट करना है। और D2 यानी हमें इसे 2 times रोटेट करना है। अब आता है एफ। एफ यानी हमें अपनी फ्रंट लेयर को क्लॉकवाइज रोटेट करना है। एफ प्राइम यानी हमें अपनी फ्रंट लेयर को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है। और F2 यानी हमें अपनी फ्रंट लेयर को 2 times रोटेट करना है। अब है बी। बी यानी हमें अपनी बैकवर्ड लेयर को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है। बी प्राइम यानी हमें इसे क्लॉकवाइज रोटेट करना है। और B2 यानी हमें इसे 2 times रोटेट करना है। तो ये थे कुछ बेसिक नोटेशंस। अब हम इसकी फर्स्ट लेयर बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए, ये स्क्रैम्बल क्यूब है। तो अब हमें कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम कोई भी फेस ले लेंगे। सेंटर तो होता नहीं है, तो हम कहीं भी वाइट का वाइट की लेयर बना सकते हैं। आप किसी और कलर की भी बना सकते हैं, वैसे मैं वाइट की बनाऊंगा। तो मैंने ये वाला पीस ले लिया है। ये पीस है वाइट, ब्लू और ऑरेंज कलर का। अब हमारे पास सेंटर तो है नहीं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर कौन सा पीस आएगा। तो इसका बड़ा ही आसान तरीका है। सबसे पहले हम देखेंगे कि टॉप पर वाइट है, तो हमारे इस साइड भी टॉप पर वाइट होगा, मतलब पूरे फेस पर ही वाइट होगा। तो यानी हमें एक कलर तो हो गया उस पीस का वाइट। अब फ्रंट पे ऑरेंज है, यानी उसके फ्रंट पे भी ऑरेंज ही होना चाहिए। तो दूसरा हो गया वाइट और ऑरेंज। और अब हमारे इस पीस के लेफ्ट साइड में ब्लू कलर है, यानी ब्लू का अपोजिट होता है ग्रीन। तो हमें चाहिए वाइट, ऑरेंज और ग्रीन कलर का पीस। तो हम ढूंढेंगे। ये रहा हमारा वाइट, ऑरेंज और ग्रीन कलर का पीस। अब हमें इसको यहाँ पर इंसर्ट करना है। तो हम इसके इंसर्ट जहाँ करना है वो वाली पोजीशन पर लेके आएंगे, कुछ इस तरह से। और अब हम कर देंगे R, तो उससे ये इंसर्ट हो जाएगा। तो अब आप देखेंगे ये वाला पीस भी साथ में लग गया, लेकिन ये गलत पोजीशन पर लगा है। तो इससे अब हमें पता चल गया कि इसको यहाँ पर लगना है। और यहाँ वाले का पीस है वाइट, क्योंकि टॉप पर हमेशा वाइट ही रहेगा, फ्रंट में ग्रीन है तो यहाँ पर भी ग्रीन रहेगा। और यहाँ पर ऑरेंज यानी इसका अपोजिट है रेड, तो हमें चाहिए वाइट, ग्रीन और रेड का, ये यहाँ पर है। तो अब हम इसको जहाँ पर इंसर्ट करना है वो वाली पोजीशन पर लेके आएंगे। अब ये डाउन हमारा ये वाला वाइट टॉप डाउन फेस कर रहा है, तो इसको क्या करेंगे, हम कौन से एल्गोरिथम लगाएंगे, आर प्राइम डी टू आर। तो अब हम देखेंगे हमारा ये जो पीस है ये कुछ इस टाइप से आ जाएगा। जो हमारा वाइट का यहाँ पर लगना है वो अब हमारी राइट साइड में होगा। तो अब हम लगाएंगे एल्गोरिथम आर प्राइम डी प्राइम और आर। तो हमारा ये 3 पीसेस लग गए। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हमें इसके लास्ट पीस को लगाना है। तो इसमें हमें फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक ही पीस बचा होगा वाइट का और वो ये है। तो अब इसको हमें इसकी
लगने वाली प्लेस पर लेके आना है। तो ये आ गया। अब हमें क्या करना है यहाँ पर इंसर्ट करने के लिए, हमें जो हमारी ये वाला हमने लेयर बनाया है इसको हमें अभी साइड में रोटेट करना है। ये बिगड़ जाएगा लेकिन हम इसको वापस भी ठीक कर देंगे। फिर हमें राइट लेयर को अप करके इसको कुछ इस तरह से मैच कर देना है, और जो हमारा ये बिगड़ गया था इसको हम वापस वहाँ पर लेके आ जाएंगे, तो हमारी फर्स्ट लेयर बन जाएगी। तो अब हम इसकी सेकंड लेयर यानी लास्ट लेयर बनाना शुरू करते हैं। तो हमारे लास्ट लेयर का पहला स्टेप है कि हमें इसको पूरा येलो फेस बनाना है, जैसा कि अभी पूरा बना नहीं हुआ, ये बिगड़े हो इससे हमें अभी कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इसको पूरा हमें येलो फेस बनाना है। तो पहला कीजिए कुछ इस टाइप का कि आपके टॉप पर 2 येलो कॉर्नर पीस हो और फ्रंट पर 2 येलो कॉर्नर पीस हो। तो इसकी होल्ड करने की पोजीशन है कुछ इस तरह से, जो आपके फ्रंट पर 2 येलो कॉर्नर पीस है उसको आप अपनी लेफ्ट पर रखेंगे, और जो आपके टॉप पर 2 कॉर्नर पीस है उसको आप अपनी राइट साइड के टॉप पे कर देंगे। तो अब हमें ये एल्गोरिथम लगानी है, एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम, तो हमारा ये पूरा फेस येलो हो जाएगा। नेक्स्ट केज है हमारा कुछ इस टाइप का, आपके फ्रंट में 2 येलो पीसेस होंगे और आपके बैक में 2 येलो पीसेस होंगे और आपके टॉप में कोई भी येलो पीस नहीं होगा। तो इसमें हमें ऐसे पकड़ सकते हैं कि आप इनको अपने फ्रंट में रख लीजिए या आप इनको अपने फ्रंट में रख लीजिए, बस आपके 2 ये जो येलो पीसेस है आपके फ्रंट में होने चाहिए, ये गलत पोजीशन हो जाएगी। आप यहाँ से पकड़िए या यहाँ से पकड़िए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए अब हम इसके एल्गोरिदम बताता हूँ मैं आपको। तो एल्गोरिदम है एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम आर यू आर प्राइम यू प्राइम आर यू आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम। ये देखिए हमारा पूरा येलो फेस बन गया। तो ये है हमारा केस नंबर 3। इसमें आपका एक येलो पीस आपके टॉप में होएगा और बाकी एक येलो पीस आपके राइट साइड में होएगा, एक येलो पीस आपके बैक साइड में होएगा और एक येलो पीस आपके लेफ्ट साइड में होएगा। तो इसमें हमें कैसे होल्ड करना है इस केस को, तो इसमें हमें कुछ इस टाइप से होल्ड करना है कि जो येलो पीस आपके राइट साइड में होएगा उसे हम अपने फ्रंट में कर लेंगे, और फिर ये एल्गोरिदम लगाएंगे आर प्राइम यू प्राइम आर यू प्राइम आर प्राइम यू टू आर, तो हमारा पूरा फेस येल्लो हो जाएगा। अब नेक्स्ट केस है हमारा कुछ इस टाइप का कि आपका एक येल्लो पीस टॉप पे है, एक फ्रंट पे है, एक राइट साइड पर है और एक बैक साइड पे है, लेफ्ट साइड पर आपका कोई पीस नहीं है। तो इसको आप एज इट इज ऐसे ही पकड़ेंगे कि एक टॉप पर रहेगा और एक आपके फ्रंट पर रहेगा, और ये एल्गोरिदम लगाएंगे आर यू आर प्राइम यू आर यू टू आर प्राइम, तो हमारा ये पूरा फेस येलो हो जाएगा। तो दोस्तों ये है हमारा केस नंबर 4। इसमें आपके 2 येलो पीसेस आपके फ्रंट में होंगे, एक येलो पीस आपके राइट साइड में होएगा और एक येलो पीस आपके लेफ्ट साइड में होएगा। तो इसमें हमें कुछ इस टाइप से होल्ड करना है, जो आपके 2 येलो पीसेस आपके फ्रंट में हैं उसे उन्हें आपको अपनी लेफ्ट साइड में करना है, और फिर ये एल्गोरिदम लगानी है आर यू आर प्राइम यू आर यू टू आर प्राइम। अब यू प्राइम करना है और फिर वापस यही एल्गोरिथम लगानी है आर यू आर प्राइम यू आर यू टू आर प्राइम, तो हमारा पूरा येल्लो फेस बन जाएगा। ये है हमारा केस नंबर 5। इसमें कुछ इस टाइप से होगा कि आपके 2 येल्लो पीसेस आपके टॉप में होंगे, एक राइट साइड में होगा और एक लेफ्ट साइड में होगा। तो इसमें हमें क्यूब को कुछ इस टाइप से होल्ड करना है कि जो 2 येलो पीसेस आपके टॉप में हैं उन्हें आपको अपने फ्रंट में करना है, कुछ इस टाइप से क्यूब को रोटेट करना है, और फिर ये एल्गोरिदम लगानी है
आर यू आर प्राइम डी आर यू प्राइम आर प्राइम डी प्राइम, तो हमारा पूरा येलो फेस बन जाएगा। तो दोस्तों ये है हमारा केस नंबर 6। इसमें आपके दो येलो पीस स्लैंटिंग लाइन में होंगे और आपका एक पीस अपने फ्रंट में होएगा और एक पीस अपने लेफ्ट साइड में होएगा। तो इसमें आपको कुछ इस टाइप से पकड़ना है कि आपको अपना एक पीस अपने फ्रंट पर रखना है और इसको कुछ इस टाइप से स्लैंटिंग लाइन होनी चाहिए येलो की, और फिर ये एल्गोरिथम लगानी है एफ प्राइम आर यू आर प्राइम यू प्राइम आर प्राइम एफ आर, तो हमारा पूरा येलो फेस बन जाएगा। तो गाइज अब ये हमारा लास्ट स्टेप है, इसमें हमें जो हमारे ये कॉर्नर पीसेस जो ठीक से असेंबल नहीं है, हम इसको भी असेंबल करके अपना 2x2x2 क्यूब पूरा सॉल्व कर देंगे। तो इसमें 2 केसेस आते हैं। पहला केस है कि आपका एक फेस पूरा बना हो और फिर बस आपके इन दोनों पीसेस को स्वाइप होना हो, मतलब इस वाले पीस को यहाँ लगना है और यह वाले पीस को यहाँ लगना है। तो इसमें आपका जो सॉल्व फेस है उसको अपने बैक में रखना है और ये एल्गोरिथम लगानी है आर प्राइम एफ आर प्राइम बी टू आर एफ प्राइम आर प्राइम बी टू आर टू, और फिर आपको बस एक दो मूव्स करने हैं और आपका क्यूब सॉल्व हो जाएगा। तो अब हमारा नेक्स्ट केस कुछ इस टाइप का है कि आपके स्लैंटिंग में तो कॉर्नर पीस ठीक से लगे हुए हैं, पर स्लैंटिंग में ही दो कॉर्नर पीस स्वाइप हो रखे हैं, यानी इस वाले पीस को यहाँ लगना है और इस वाले पीस को यहाँ लगना है। तो कुछ इस टाइप के केस में आप अपने क्यूब को कहीं से भी होल्ड कर सकते हैं, चाहे यहाँ से करें, यहाँ से करें, यहाँ से करें, यहाँ से करें, यहाँ और यहाँ से नहीं कर सकते, बाकी सारी साइड से कर सकते हैं। और फिर आपको सेम एल्गोरिथम लगानी है जो हमने पिछले केस में लगाई थी आर प्राइम एफ आर प्राइम बी टू आर एफ प्राइम आर प्राइम बी टू आर टू। तो अब आप देखेंगे कि हमारा पिछला वाला केस ही वापस आ गया है, हमारा एक फेस पूरा बना हुआ है, इन दोनों को आपस में स्वाइप होना है। तो हम अपना जो बना हुआ फेस है उसको बैक में रख के वापस वही एल्गोरिथम लगाएंगे आर प्राइम एफ आर प्राइम बी टू आर एफ प्राइम आर प्राइम बी टू आर टू, और फिर एक दो बार मूव्स करेंगे तो हमारा क्यूब सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास आ जाए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।